नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, जिसको IF भी बोलते हैं शॉर्ट में। आप अभी तक इस शब्द के बारे में आपने शायद इंटरनेट पे देख लिया होगा, आपके सामने ये शब्द आ गया होगा शायद, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ट्रेंड में है इंटरमिटेंट फास्टिंग। सबसे पहले तो शब्द से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ भी बड़ी चीज़ नहीं है। इंटरमिटेंट मतलब बीच में, फास्टिंग मतलब खाना नहीं खाना। इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब बीच बीच में खाना नहीं खाना, मतलब कुछ देर खाना खाना और कुछ देर खाना नहीं खाना। एक तो फास्टिंग का लोग मतलब ये भी समझते हैं कि कई लोग फास्टिंग से व्रत बोलते हैं हिंदी में फास्टिंग को, व्रत से मतलब ये भी समझ लेते हैं कि खाली फलाहार करना है, इस तरीके का नहीं, वैसा नहीं है। जिसमें अनाज नहीं खाते ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जिस भी फास्टिंग की हम बात कर रहे हैं उसमें हम कुछ भी नहीं खाएंगे, सिर्फ पानी पी सकते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई कि कुछ देर आपने खाना खाया, कुछ देर के अंदर आपने खाना खाया और कुछ देर के अंदर आपने खाना नहीं खाया। अब तुम कहोगे ऐसा तो हम रोज करते हैं, जैसे मैं एक बजे से 1:30 बजे तक खाना खा लेते हूँ और फिर 1:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक मैं कुछ नहीं खाती और फिर 5 से 5:30 खा लेती हूँ। तो देख लो, मैंने 1 से 1:30 खाना खाया और 1:30 से लेकर 5 तक नहीं खाया और फिर 5 से 5:30 खाया, कुछ देर खाया कुछ देर नहीं खाया। ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा इतने छोटे टाइम के लिए ये बात नहीं है। ऐसा है कि तुम खाना खाते हो तो वो खाना पचता है, ठीक है। वो खाना पहले तुम्हारे पेट में जाता है, पेट से तुम्हारी छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। वो खाना पचने में मतलब वो खाना पूरी तुम्हारी आंतें पार होकर करके बाहर निकल जाए, इसमें 10 घंटे से भी ज़्यादा लग जाते हैं, ठीक है। तो तुम ऐसे नहीं कह सकते कि मतलब वो 2-2.5 घंटे में तुम्हारा खाना पच गया। पर हम एक बार के लिए ऐसा मान लेते हैं कि 3-4-5-6 घंटों में जब तुम्हें वापस भूख लगती है, तब तक तुम्हारे शरीर ने उस खाने को पचाने का एक बड़ा काम कर कर के वो वापस से नए खाने को खाने के लिए तैयार हो गया। मान लेते हैं 4-5 घंटे बाद जब तुम वापस भूख लगती है, तब मान लेते हैं तुम्हारा शरीर वापस नए खाने के लिए तैयार हो गया। तो और वैसे भी जैसे जब खाना खाते हो तो करीब पहले 2 घंटे में तुम्हारे खाना पचता है तो तुम्हारी ब्लड शुगर बढ़ती है, 2 घंटे के बाद तक लगभग तुम्हारा शरीर उसे वापस नॉर्मल पे लाता है, जो एक सेहतमंद आदमी है उसके साथ ऐसा होता है। तो कहने वाला खाना पचने में अच्छा खासा टाइम लगता है। तो समझ लो तुमने खाना खाया तो उसके 3-4-5 घंटे बाद में जब तुम्हारा शरीर खाने को पचा करके वापस नए खाने के लिए तैयार हुआ है, उस वक्त से हम गिनना चालू करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो तुमने इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक उदाहरण हो गया कि तुमने सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त के बीच में खाना खाओगे और सूर्यास्त से लेकर के अगले दिन सूर्य उदय होने तक के बीच में नहीं खाओगे, मतलब सिर्फ दिन में खाना खाओगे, रात को खाना नहीं खाओगे, रात्रि भोजन का त्याग। तो लगभग शाम को 7 बजे के आसपास सूर्यास्त होता है और अगले दिन सुबह लगभग 6-7 बजे के आसपास सूर्य उदय होता है। तो लगभग 12 घंटे तुम कुछ नहीं खाओगे और बचे दिन के 12 घंटे तुम खाओगे, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग होगी, ठीक है। एक हो गया कि 16 घंटे खाना नहीं खाओगे 24 घंटे में और 8 घंटे खाना खाओगे। तो मान लो सुबह 10 से लेकर के शाम के 6 बजे तक तुम खाना खाओगे और शाम के 6 से लेकर के अगले दिन सुबह 10 बजे तक तुम खाना नहीं खाओगे। तो जब तुमने आखिरी बार खाना खाया था शाम को 6 बजे, उसके समझ लो 3-4-5 घंटे बाद तुम्हारा शरीर उस खाने को मतलब पूरा तो नहीं पचा होगा, अभी भी वो तुम्हारी आंतों में होगा, आंतों से निकल रहा होगा, अभी भी आंतों से पार हो रहा होगा धीरे धीरे करके, पूरा पचने में तो टाइम लगेगा। पर फिर भी मान लेते हैं 4-5 घंटे बाद जब तुम्हारा शरीर उस खाने से फ्री हो गया और तुम्हारी ब्लड शुगर नीचे हो गई, तब तुम्हारी इंटरमिटेंट फास्टिंग की जो विंडो है वो चालू होती है। इसे कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की विंडो चालू होना, और ये तब तक चालू रहेगी जब तक तुम अगला खाना नहीं खाते अगले दिन सुबह 10 बजे। इस विंडो में क्या होएगा, ये जो टाइम है जिसमें तुम्हारा खाना पिछला खाना पच गया, एक बार तुम्हारा शरीर उससे फ्री हो गया, अब इसके बाद तुम्हारा शरीर कुछ तुम खा नहीं रहे हो, तुम्हारा शरीर क्या करेगा इसमें। देखो सबसे पहले तो तुम्हारे शरीर को आराम मिलेगा, ठीक है। तुमने 1:30-2 बजे खाना खाया, फिर 5 बजे फिर खा लिया, फिर 8 बजे फिर खा लिया, फिर 11 बजे फिर खा लिया। तुम अपने शरीर को पिछला खाना पचाता है तब तक तुम नया दे देते हो, नया पचाता है तब तक और नया दे देते हो, ऐसे तुम उसको आराम नहीं मिल रहा, खाना पचाने में ही लगा रह जाता है। तो सबसे पहले तुम्हारे शरीर को आराम मिलेगा, ठीक है। दूसरा,
शास्त्रों के हिसाब से भी जैसे तुम्हारे शरीर को ये आराम मिलता है, शरीर तुम्हारा खाली होता है, खाना पचाने से फ्री होता है, तो तुम्हारा शरीर खुद को खुद का शुद्धिकरण करता है। फिर खुद का शुद्धिकरण करने में लगता है, उसके अंदर जो गंदगी है उसे निकाल कर इकट्ठा करता है, फिर उसे बाहर निकालता है। इसी वक्त के बीच में तुम्हारा शरीर, जैसे तुम कुछ नहीं खा रहे तो तुम्हारे शरीर को ग्लूकोज चाहिए, तो तुम्हारा जो शरीर में चर्बी है उससे खर्च करके शरीर को ऊर्जा देता है, तुम्हारा फैट बर्न होता है। इस तरीके से तुम्हारा शरीर जो वो जो समय है ना उसको, उसमें तुम्हारे शरीर काफी खुद के लिए बहुत काम की चीजें करता है। ठीक है, जैसे एक इंटरमीडिएट फास्टिंग का तरीका हो गया कि तुमने हफ्ते में एक दिन पूरे दिन कुछ नहीं खाया, एक हो गया हफ्ते में दो दिन नहीं खाया, एक हो गया आज खाया कल नहीं खाया, ऐसे कई तरीके से इंटरमीडिएट फास्टिंग होती है। मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। इंटरमीडिएट फास्टिंग के बहुत फायदे हैं, जैसे कि कुछ अभी मैंने बताया और कुछ अभी बताऊंगा, इनके बारे में हम डिटेल में आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। इंटरमीडिएट फास्टिंग में एक चीज का ध्यान रखना मैं कहूँगा बहुत जरूरी रहेगा कि जब भूख हो तभी खाओ। अब जैसे तुम्हारे पास में थोड़ा कम टाइम है जितने में तुम्हें खाना खाना है, तो ऐसा नहीं कि हाँ जल्दी ज़्यादा खाते जाओ ऐसे में फिर तुम अपने शरीर को जो इंटरमीडिएट फास्टिंग से फ़ायदा हो सकता है वो भी ना ले लो, और हो सकता है नुकसान भी कर दो। तो जब भूख लगे तभी खाओ, और पूरी कोशिश करो कि भूख से थोड़ा कम खाओ, क्योंकि ये हमारी लंबी उम्र के लिए काफ़ी काम आता है भूख से थोड़ा कम खाना। और ये हमेशा ही, मतलब इंटरमीडिएट फास्टिंग में नहीं, हमेशा ही ध्यान रखना कि भूख से थोड़ा कम खाना और भूख लगे तभी खाना। ठीक है, भूख से थोड़ा कम इसलिए खाना है कि जितनी तुम्हें भूखे उससे हल्का कम खाओगे तुम्हारा शरीर उसे आराम से बचा भी पाएगा। और मैंने पहले भी बात करी थी कि तुम्हारा शरीर एक मशीन है, तुम उसे जितना काम करवाओगे उतनी जल्दी वो खराब हो सकती है। तो जितना ज़्यादा, तो तुम उससे जितना वो खाना पचा सकती है उससे थोड़ा कम पचवाओगे, जितनी उसकी कैपेसिटी जितनी उसका सामर्थ्य उससे थोड़ा कम पचाओगे तो मशीन लंबी चलेगी, तुम्हारी उम्र लंबी हो सकती है, उससे लंबा जी सकते हो। अब बात आती है ये इंटरमीडिएट फास्टिंग जो शब्द है, ये इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में साइंस को तो भी पिछले कुछ सालों में काफ़ी पता चला है मतलब इसके बारे में साइंस में भी पिछले कुछ सालों में काफ़ी रिसर्च हुई या फिर बात होने लगी। हमारे पूर्वजों को तो सैकड़ों हजारों सालों से इस चीज़ को पता है, बस वो उसे इंटरमीडिएट फास्टिंग ही कहते थे। बहुत सारे अलग अलग जो धर्म हैं उनमें इंटरमीडिएट फास्टिंग में जो जिस तरीके से हम खाना छोड़ते हैं वो करने का रिवाज है, और लगभग पूरे भारत में जो अलग अलग जगहें हैं वहाँ पे ऐसा होता है, सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। साइंस तो अभी भी इस पर रिसर्च कर रही है, पर जो हमारे शास्त्र हैं उनमें इसके फायदों के बारे में काफ़ी उल्लेख आ चुका है। ये मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में और डिटेल में बात करूँगा। कुछ जो फायदे हो सकते हैं कि हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा वजन कम होता है, हमें बीमारी से छुटकारा मिल सकता है, जैसे कैंसर डायबिटीज़ इस तरीके की बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। जैसे तुम खाना छोड़ो, तो मान लो तुम हफ्ते में एक या दो दिन खाना नहीं खाते, तो तुम्हारे जो जो खराब कोशिकाएं हैं तुम्हारे शरीर की, खराब सेल है, उनको वो भी तो तुम जो खा रहे हो उस पर जी रहे हैं, उस पर बढ़ रहे हैं, तो उन्हें भी जो ऊर्जा मिलती है जिससे वो बढ़ रहे हैं वो मिलनी बंद हो जाएगी, तो वो खराब सेल तुम्हारे मर सकते हैं, जिससे तुम्हारी बीमारियाँ ख़त्म हो सकती है। लंबी उम्र कैसे हो रही है और वजन कम कैसे हो रहा है, देखो इंटरमीडिएट फास्टिंग में तुम्हारे पास में खाने के लिए बहुत कम समय होता है, मैंने बताया, इतने में बहुत ज़्यादा खाना खाना मुश्किल होता है। तो आदमी कम टाइम में ज़्यादा खाना नहीं खा पाता तो वो स्वतः ही कम खाना खाता है, मतलब नेचुरली कम खाना खाता है। बहुत ज़्यादा चांस है कि तुम कम खाओगे, तो मैंने बताया कि कम खाओगे तो तुम्हारी शरीर मशीन है, उससे कम पाचन करवाओगे, मशीन से कम काम करवाओगे, लंबी चलेगी, और कम खाओगे तो वजन अपने आप धीरे धीरे कम होने लगेगा। लेकिन जो लोग ये करते हैं कि अरे यार हफ्ते में एक दिन खाना नहीं खा रहा, बचे हुए छः दिन में वो दबा दबा के खाऊंगा, भूख से ज़्यादा खाऊंगा, वो उसकी एक दिन की पूर्ति मैं छः दिनों में करूंगा, जो ऐसा करने की कोशिश करते हैं, पहले तो उसे उन्हें इंटरमीडिएट फास्टिंग का जो फ़ायदा हो सकता है वो ना हो, दूसरा उन्हें हो सकता है नुकसान भी हो जाए, तो ऐसा नहीं करना। इंटरमीडिएट फास्टिंग अपने आप में अच्छा खासा बड़ा और बहुत काम का विषय है, इसके बारे में आगे आने वाली वीडियोज़ में और डिटेल में बात करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हो। नमस्कार।